हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपनी गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम, स्टीरियो स्टॉक जो कंपनी का आता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू देता हूँ कि कैसा रहा, क्या इसमें मतलब मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी एक टाइम पे, जो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला फंक्शन होता है ना फ्रेंड्स, उसको मैं यूज़ करता था। तो जब मेरे पास आईफोन था ना, आईफोन एक्स था मेरे पास पहले, तो जब मैं उसको लगा के मैप्स चलाता था, नेविगेशन चलाता था, तब तो कभी इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। और उसके बाद जब मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स कनेक्ट किए हैं ना, मतलब जैसे स्ट्रेट इसमें दिखा रहा है और स्ट्रेट दिखाते दिखाते हैंग हो जाएगा, तो मुझे पता चलती नहीं थी कि ये हैंग हो चुका है। मैं मतलब जैसे एक बार दिल्ली गुड़गांव रोड पे था, वहाँ से मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा था, मुझे वैसे लेफ़्ट टर्न लेना था थोड़ा सा आगे जाके, तो मैंने इतना स्क्रीन पे ध्यान दिया नहीं, मेरे को लगा ये नेविगेट कर देगा, मेरे को दिखा देगा, मैं अपना सीधा 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 चलता रहा। तो मैंने बाद में नोटिस करा कि मैं तो दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। तो उस टाइम पे दोस्तों, फिर मैंने मतलब देखा तो ये तो हैंग हुआ पड़ा है, और इस पे टच पे मैं कुछ कर रहा था, मतलब जैसे इधर उधर कुछ भी क्लिक कर रहा था, ये रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स किस चीज़ में प्रॉब्लम आई, मेरे फ़ोन्स में प्रॉब्लम आ रही है या डेटा केबल और फ़ोन्स। मैंने अलग अलग लगा के देख लिए, मैंने 3 या 4 फ़ोन इसमें नेविगेशन में लगा के देखे एंड्रॉयड ऑटो से, सब में ये प्रॉब्लम आ रही थी, हैंग हो रहा था। और डेटा केबल्स भी अलग चेंज कर ली मैंने, और पता नहीं दोस्तों किस चीज़ में प्रॉब्लम थी, पर मेरे आईफोन के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि गूगल का जो ऐप है वो क्रैश हो जाता हो, या वो हैंग हो जाता हो, या उसमें कोई एप्लीकेशन में बग्स हों, उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ पता नहीं है किस वजह से है। पर मैंने एक बार ये फेस नहीं करी, 2-3 बार फेस करी है। एक बार मैं ग्रेटर नोएडा जा रहा था, तो इसे KGP एक्सप्रेसवे से दोस्तों, ग्रेटर नोएडा जाते जाते टाइम पे ही एक्सप्रेसवे पे था मैं, कार अच्छी खासी स्पीड में थी उस टाइम पे, और फिर तब इतना स्क्रीन पे ध्यान कहाँ जाता है ड्राइविंग करते हुए। मैं चलाता रहा, ये स्ट्रेट दिखाती रही, और मेरे को पता चला, मैंने ऊपर साइन बोर्ड्स में देख लिया कि मैं गाजियाबाद पहुँच चुका हूँ, ग्रेटर नोएडा के बाद आता है वो फिर मैंने इसमें देखा कि ये हैंग हुआ पड़ा है। एक दो बार छोटा मोटा मतलब लोकल में घूम रहा था, मेरे को वहाँ वैसे रास्ता पता था, पर ये उस टाइम पे हैंग हो चुका था, मैं समझ गया था कि ये तो गया। तो इसके बारे में इतना ही, वैसे ठीक है ये, साउंड क्लियरिटी इसकी काम चला हुआ है, एवरेज है इसकी स्पीकर्स की। ज़्यादा हम बेस बढ़ा देते हैं सेटिंग्स में, ट्रेबल बढ़ा देते हैं तो फटने लग जाती है फिर। और दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छा है, टच वाइज, रिस्पॉन्स वाइज, दिखने में, फील में, वैसे काफ़ी अच्छा है। पर उसके बाद से फिर जब नेविगेशन में 2-3 बार प्रॉब्लम्स आई थी, हैंग हुआ था, तो उसके बाद से मैंने फिर इसका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला वो फीचर यूज़ ही नहीं करा। खुद की जो गाइडेंस आती है उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, मतलब गाइडेंस तो अच्छा काम करता है, हैंग वैंग कभी कुछ नहीं होता, पर जैसे मान लो इसमें एड्रेस डालना है, मुझे एड्रेस डालने में जहाँ पे मुझे जाना है डेस्टिनेशन का एड्रेस, तो इसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस डालना बहुत हार्ड है, एग्जैक्ट एड्रेस डालना पड़ता है। जैसे मान लो हमें कहीं किसी और शहर में जाना है, जैसे मैं पलवल में रहता हूँ, तो मुझे दिल्ली या फिर नोएडा में जाना है या कहीं भी जाना है आसपास, तो मेरे को प्रॉपर एड्रेस क्या पता उस जगह का, पता भी हो तो इसमें डालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, फिर से जल्दी होती है। जैसे गूगल मैप्स में है ना इजी, एक बार में सर्च मारो और सीधा डाल दो, वो चीज़ नहीं है इसमें, वो होता तो मज़े आ जाते हैं। यहाँ से एड डेस्टिनेशन का ऑप्शन, न्यू एड्रेस, जियो कोऑर्डिनेट्स, POIs नियर बाई, POIs माई नियर बाई, मतलब मैं हमारे जो आसपास इसके मारुति के सर्विस सेंटर या ये सब चीज़ें होंगी उसका दिखाएगा, और प्रीवियस जहाँ पे मैं लास्ट टाइम मैंने एड्रेस डाला था या फिर जहाँ पे मैं गया था, और फेवरेट्स, फेवरेट्स में मैंने अपना होम सेट कर रखा है। जैसे अब मुझे न्यू एड्रेस डाला मैंने, पलवल का डाल रखा है ये। अब इसमें देखो, पहले स्टेट, फिर सिटी, फिर तुम्हारे स्ट्रीट, फिर इंटरसेक्शन, फिर हाउस नंबर, ऐसे डालना पड़ता है। अब मान लो मुझे जैसे दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा जाना है, तो मैं कैसे डालूँ, किसी को नहीं पता है एड्रेस वहाँ का, गूगल पे सर्च भी मार लें क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का, इससे अच्छा गूगल मैप्स ही ना खोल लें। तो इसमें ऐसा फीचर होना चाहिए कि जैसे कहीं सर्च का ऑप्शन हो इसमें, और सर्च करें हम जगह का नाम, सीधा वो जगह आ जाए से रिलेटेड सर्चेज, जैसे गूगल मैप्स में होता है या गूगल में होता है,
बिल्कुल वैसे ही, तब मज़े आ जाते इसके। अब जैसे मान लो मुझे रेड फोर्ट दिल्ली जाना है, या तुगलकाबाद फोर्ट जाना है, या कहीं भी जाना है, दिल्ली छोड़ो किसी और जगह का नाम बात करते हैं, नोएडा में जाना है कहीं, तो वहाँ का मुझे एड्रेस थोड़ी पता है, बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस थोड़ी पता है मुझे। फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप ओवरटेक करते हो या फिर कार को फास्ट चलाते हो, अगर आपको लगता है ना कि हाईवे पे सबसे फास्टेस्ट कार आपकी है, तो हमेशा इस लेन में रखना जो डिवाइडर से साइड वाली टच वाली लेन होती है, ठीक है। और जिनको मतलब ओवरटेक करना होता है, हमेशा यहीं से करना चाहिए। पर जो लोग हैं, जो ट्रक्स वाले होते हैं, डंपर वाले होते हैं, कुछ कार वाले भी होते हैं, जो इसी लेन में धीरे धीरे चलाते हैं, चलाना नहीं चाहिए कायदे के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल्स उनको सेंटर लेन में या फिर साइड लेन में चलाना चाहिए। जो ओवरटेक करने वाला बंदा होगा वो इस लेन में आएगा, ओवरटेक करके दोबारा से उस लेन में जाएगा, चलाएगा तभी इस लेन में जब उसको लगे कि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है पूरे हाईवे पे। ये बात हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और फ्रेंड्स, इसके बारे में, कार के बारे में आपको मैं और भी बातें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो सब्सक्राइब भी कर लेना जी। काफ़ी ABS काम कर गया इतनी ऊँची तो देख नहीं पा रही यार। अरे तू पहले भोंक ले तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपनी गाड़ी के